वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम महा TET 2020 के पेपर 2 का एक सवाल हल करेंगे। इसमें दिया गया है मुतसिला शक्ल में AC बराबर है 34, BC बराबर है 42 और ज़िला AB बराबर है 20। और BC में नुक्ता O ये दायरे का मरकज मानकर निस्फ दायरा बनाया गया है कि वो ज़िला AB और ज़िला AC को बिलतरतीब नुकात R और Q पर मस करता है, तो निस्फ दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है। तो हमें यहाँ पे मालूम करना है निस्फ दायरे का निस्फ कुत्र, और हमें इस मुसलस ABC के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई है। अब हमें निस्फ दायरे का सेमी सर्कल का रेडियस मालूम करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुसलस ABC का रकबा मालूम करेंगे। तो मुसलस का रकबा बराबर होता है 1/2 कायदा ज़रब बुलंदी। तो देखिए यहाँ पे तो बुलंदी नहीं दी गई है, लेकिन तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई है। जब भी तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी जाती है तो हम रकबा किस तरह मालूम करते हैं, मुसलस का उन तीनों ज़िलों की लंबाइयों का इस्तेमाल करते हैं और हेरोन के फार्मूले के ज़रिए हम रकबा फाइंड करते हैं। तो देखिए हेरोन का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट S × S-A S-B S-C। ABC क्या है, ज़िले है, और S क्या है यहाँ पे, निस्प आता है। निस्प आता बराबर होता है A·B·C/2। तो देखिए यहाँ पर ज़िला A, B और C दिया गया है, तो यहाँ पर S बराबर होगा 20·42·34/2, तो इक्वल टू बराबर क्या आएगा 48। अब हमें फार्मूले में पुट कर देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है S × S-A S-B S-C। तो अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, 6, 14। अब हम 48 को सिंप्लीफाई करके 16 × 3 लिख सकते हैं, 28 को 14 × 2, 6 को 3 × 2। अभी अंडर रूट में है तो देखिए 16 जब बाहर आ जाएगा तो 4 होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे दूसरा 3 है, जब ये बाहर आ जाएगा तो 1 टाइम हम लिखेंगे 3। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 बार 14 है और यहाँ पे भी 1 बार 14 है, बाहर आके 1 बार 14 लिखेंगे हम। और इसी तरह यहाँ पे 2 दिया गया है 2 बार, तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 का जजरु मुरब्बा कितना हो गया 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा, 336। तो ये हो गई पहली स्टेप इस सवाल को हल करने के लिए। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब देखिए हमने सिंपली क्या किया है, इस शक्ल में कंस्ट्रक्शन किया है। जैसे मुसलस ABC में नुक्ता A को O से मिला दिया तो हमें 2 मुसलस मिले, मुसलस AOB और मुसलस AOC। इन दोनों मुसलस का रकबा किसके बराबर होगा, मुसलस ABC के बराबर होगा। अब और साथ ही हमने क्या किए, नुक्ता O और R को मिला दिया तो OR क्या हो गया, दायरे का निस्फ कुत्र हो गया, और इस मुसलस AOB का क्या हो गया, हाइट हो गया। इसी तरह OQ को हमने मिला दिया तो OQ क्या हो गया, निस्फ कुत्र हो गया, रेडियस हो गया इस सेमी सर्कल का, और इस मुसलस AOC का क्या हो गया, हाइट हो गया। जब भी हम मुसलस का रकबा निकालते हैं तो उसका जाप्ता क्या है, 1/2 × base × height। तो एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC। तो AOB का रकबा 1/2 × 20, तो 20 क्या है, AB क्या है, बेस है, तो ये होगा 20 और हाइट क्या होगा R। इसी तरह AOC में क्या है, 1/2 × 34, तो 34 क्या है, ये AC क्या हो गया, बेस हो गया, तो 34 लिखे हमने और R क्या हो गया, हाइट हो गया। अब इसे हम हल करेंगे तो 2 × 10 = 20, 10 R हो गया और यहाँ पे 17 R, तो यहाँ पे आ गया 27 R, R बराबर हो गया 336/27। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो R बराबर हो गया 112/9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है।